शिवसेना का कहना है कि लोकसभा में हार के बावजूद भी कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से हो सकता है, तो फिर कम सीटों के बाद हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? हेलो इंदौर, आप देख रहे हैं बिया बेहतरीन और मैं हूं अवधेश पंडित, एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नया मसाला टॉपिक लेकर। जी हाँ, जब ख्वाहिशें ज्यादा हो और पैरों के नीचे से जमीन खसक जाए तो कैसा होता है? वैसा ही होता है जैसा शिवसेना के साथ हो रहा है। जी हाँ, भविष्य में महाराष्ट्र में अपना ही मुख्यमंत्री हो ऐसा ख्याली पुलाव पकाने वाली शिवसेना का सपना ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। कहते हैं जब घर का बंटवारा होता है तो परिवार टूट जाता है, लेकिन जब पार्टी चुनाव में सीटों का बंटवारा करती है तो फिर इस्तीफा दे दिया जाता है। जी हाँ, शिवसेना के 26 से ज्यादा पार्षदों और 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दे दिया क्योंकि बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था। इस पर कांग्रेस का कहना है कि शिवसैनिकों ने बेवजह बेकारण के इस्तीफा दे दिया, बल्कि सबसे बड़ा कारण तो हमारे पास है इस्तीफा देने का। इस पर शिवसेना का कहना है कि लोकसभा में हार के बावजूद भी कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से हो सकता है, तो फिर कम सीटों के बाद हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? जी हाँ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, सवाल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवसेना और बीजेपी की जीत हुई तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आता त्यांचं जे होईल ते होईल ते आम्हाला माहित नाही, पण तुम्ही मी मराठी बोल रहा हूं, हिंदी में बोल देते कि भैया उनका जो होना है वो तो होगा, लेकिन आप देखते रहिए बिया बेहतरीन। लाइक करना तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, फिर आएंगे हम।